दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं जो अमेज़ॉन पर आज ही लॉन्च हुए हैं ट्रूक कंपनी की तरफ से। ये है ट्रूक योगा पावर, एक ब्लूटूथ ईयरफोन, और ये है ट्रूक कंपनी का ही फिट वन, एक TWS ब्लूटूथ ईयरबड्स। इसकी कीमत है 1299 रुपये और इसकी कीमत है 1499 रुपये। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है और ये जो प्रोडक्ट्स है इनका परफॉर्मेंस कैसा है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है ट्रूक कंपनी के दो प्रोडक्ट्स, फिट वन और योगा पावर। सबसे पहले ये जो योगा पावर है इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसकी कीमत है तकरीबन 1299 रुपये और ये क्वाड स्पीकर्स के साथ में आता है, मतलब कि जो इंडिविजुअल ईयरबड्स हैं उनमें दो स्पीकर्स है तो टोटल क्वाड स्पीकर्स हैं। ये देखिए, ये नेक बैंड के साथ में आता है और इस प्रकार का दिखता है। फिलहाल इसे मैं साइड में रख देता हूँ, देखते हैं कि इसके अलावा बॉक्स में क्या क्या मिलता है। आपको डेटा केबल मिलता है, USB टू माइक्रो USB डेटा केबल और साथ में कुछ एक्स्ट्रा ईयर प्लग कैप्स मिलते हैं। तो ये है योगा पावर, ये है फिट वन और इसमें भी ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। ये TWS ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स हैं और ये देखिए इस प्रकार के केस के साथ में आता है जिसके अंदर आपको ये ईयरबड्स मिल जाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से इसे पैक किया हुआ है। मुझे ये रिव्यू यूनिट मिला हुआ है लेकिन बॉक्स के अंदर आपको यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड भी मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये है दो प्रोडक्ट्स जो अमेज़न पर अवेलेबल है। ये है नेकबैंड वाला योगा पावर ईयरफोन और ये देखिए इस प्रकार के नेकबैंड के साथ में आता है। काफ़ी फ्लेक्सिबल है और जो नेकबैंड है इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। और ये देखिए, ये जो भाग है यहाँ पर ग्लॉसी फिनिशिंग दिया हुआ है दोनों ही तरफ और यहाँ पर वायर के ज़रिए इन ईयरबड्स को कनेक्ट किया हुआ है। इनमें क्वाड स्पीकर्स है, मतलब कि दो स्पीकर्स इसमें है और दो स्पीकर्स इसमें हैं, तो जो साउंड आउटपुट है काफ़ी बढ़िया होना चाहिए। और ये मैग्नेटिक है, ये देखिए इस प्रकार से चिपकते हैं। और जो कंट्रोलर है वो यहाँ पर दिया हुआ है, तीन बटन्स है, माइक्रोफोन है और यहाँ पर माइक्रो USB पोर्ट है जिसका उपयोग करके इसमें जो बैटरी है उसे आप चार्ज कर पाएंगे। और ये है फिट वन ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स। ये है इसका चार्जिंग केस, यहाँ पर बटन दिया हुआ है, प्रेस करते ही आपको आइडिया मिल जाता है ये जो इंडिकेटर्स हैं यहाँ से कि ये जो चार्जिंग केस है इसमें कितना बैटरी बचा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर आपको दो ईयरबड्स मिलते हैं, इन्हें मैं बाहर निकालता हूँ और जैसे ही आप इसे बाहर निकालते हैं ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। ये ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और फिर जो प्राइमरी है उसे आपको आपके स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट करना है। ईयरबड्स की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, ये देखिए थोड़ा सा बल्कि किस्म का है लेकिन प्राइसिंग काफ़ी बढ़िया है। और इसके ऊपर ये बटन भी दिया हुआ है और साथ में LED नोटिफिकेशन भी है। तो चलिए इन दोनों प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक करते हैं और देखते हैं कि इनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये जो नेकबैंड वाला ब्लूटूथ ईयरफोन है इसकी क्वालिटी के बारे में बताता हूँ। इसमें ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है और साउंड क्वालिटी की अगर बात करें तो अच्छा है लेकिन इतना भी कुछ खास नहीं है। अगर मैं इसे रेटिंग दूँ तो मैं इसे 4.2 out of 5 की रेटिंग दूंगा, उससे आपका आइडिया मिल गया होगा कि इसकी जो क्वालिटी है कैसी है। बेस थोड़ा सा और बढ़िया होता तो बेहतर होता। इसमें जो बिल्ट इन बैटरी है ये फुल चार्ज पर आपको तकरीबन 20 घंटे का नॉन स्टॉप यूसेज दे सकता है। और ये जो प्रोडक्ट है ये वॉइस असिस्टेंट भी सपोर्ट करता है और आपको वॉइस नोटिफिकेशन भी इसमें मिलता है। माइक्रोफोन की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। इसकी कीमत है 1299 रुपये। और ये जो ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स है इसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक है। ये जो ईयरबड्स है ये फुल चार्ज पर आपको तकरीबन 3 से 4 घंटे का नॉन स्टॉप यूसेज दे सकते हैं। ये स्प्लैश प्रूफ है और ये जो चार्जिंग केस है इसमें 300 mAh की बैटरी है जो इन ईयरबड्स को तकरीबन 3 बार फुल चार्ज कर पाएगा। ये दोनों प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। इसकी कीमत है 1299 रुपये और इसकी कीमत है 1499 रुपये। जहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट्स है ये आपको कैसे लगे कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।